जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। अगर आपने किया हुआ है बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान, आप भी करते हो बाबा श्याम की सेवा लड्डू गोपाल जी की तरह, तब हमें बाबा श्याम को दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के समय में बहुत सारे भक्त बाबा श्याम की सेवा करते हैं, जैसे भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वैसे ही बाबा श्याम की भी सेवा करते हैं। तब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम बाबा श्याम की सेवा करते हैं तब इस सेवा में कोई गलती ना हो जाए, हम बाबा श्याम की सेवा कैसे करें, बाबा श्याम को भोग में क्या लगाएं और दिन में कितनी बार बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं। तब चलिए जानते हैं कि बाबा श्याम को हम दिन में कितनी बार भोग लगा सकते हैं और उनकी सेवा कैसे करें। तब सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा श्याम की सेवा कैसे करें। जिस भी घर में बाबा श्याम की प्रतिमा मूर्ति तस्वीर होती है वह घर बाबा श्याम का होता है और बाबा श्याम की सेवा एक घर के मुख्य सदस्य के रूप में करने से बाबा की कृपा बनी रहती है और घर की रक्षा होती है। बाबा श्याम की भी सेवा पूजा ऐसे ही की जाती है जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। हर भक्त का भगवान के साथ एक रिश्ता होता है, बेटे का भाई का किसी भी रूप में सेवा का भाव रखते हैं भक्त बाबा श्याम की प्रति, तब उस भाव के साथ ही उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, बाबा श्याम का समय पर स्नान कराते हैं, नए वस्त्र धारण कराते हैं, बाबा श्याम का फूलों से श्रृंगार, चंदन का टीका लगाना, इत्र लगाना और साथ ही भोग लगाना और सुलाना, ये सभी कार्य करते हैं भक्त। बाबा श्याम को कलयुग का देवता माना जाता है, इनको भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना गया है। बाबा श्याम की सेवा पूजा करने वाले भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा की प्राप्ति हो जाती है। बाबा श्याम की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और भक्तों के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। बाबा श्याम की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। बाबा श्याम का स्नान आदि कराने के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, उनकी पूजा आराधना करें, आरती करें, बाबा को प्यारे प्यारे भजन सुनाएं, बाबा की स्तुति करें, आरती के समय कपूर जलाएं और उसके बाद सारे घर में घुमाएं और बाबा श्याम के समक्ष जल का पात्र अवश्य रखें। अब बात करते हैं बाबा श्याम को दिन में कितनी बार भोग लगाएं। जब हम बाबा को अपने बच्चे के भाव से विराजमान करते हैं तब हमें कम से कम दो बार भोग जरूर लगाना चाहिए, सुबह और शाम तो जरूर ही लगाना चाहिए। और बाबा श्याम के भोग में दूध का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि बाबा श्याम को दूध बेहद ही पसंद है। इनका पहला भोग आप दूध का ही लगाएं। आप चाहो तो बाबा श्याम का भोग 4-6 बार भी लगा सकते हैं। जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं वैसे ही आप बाबा श्याम की सेवा कर सकते हैं। बाबा श्याम के भोग में आप दाल रोटी, दाल चावल, चूरमा, सब्जी रोटी, खीर हलवा, पंचमेवा, दूध की बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। कोशिश करें कि बिस्किट का, नमकीन का भोग ना लगाएं। कैसे बनती हैं ये इनकी शुद्धता का नहीं पता होता है। तब आप बिस्किट, नमकीन आदि का भोग लगाने से बचें। आप बाबा श्याम के भोग में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, श्री हरि, नारायण, बाबा श्याम के भोग में तुलसी डालना आवश्यक है, क्योंकि इससे भोजन की अशुद्धता दूर होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस घर में बाबा श्याम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हैं तब उस घर में मांस, अंडा आदि का सेवन नहीं होना चाहिए। तब आप जो भी अपनी रसोई में खाना बनाएं बिना प्याज लहसुन वाला, वो आप बाबा को भोग में लगा सकते हैं। भोग में क्या नहीं लगाना चाहिए इस पर मैंने वीडियो डाली हुई है अपने YouTube चैनल पर। तब आप जानना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
बाबा श्याम को भोग में बेसन बूंदी के लड्डू फलों का भोग लगा सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए और बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए खाटू के राजा श्याम चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।